तुमने जो नहाज का रास्ता चुना है और होरे मिलेंगे अवसर आएंगे हमारी भाषा में अवसर उनकी भाषा में और तो अच्छा। इस्लाम धर्म देखते हैं लेकिन आते हैं 72 होरे मिलेंगे और हमको चाहिए खुदा दोस्तों आप सब कैसे हो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मैं तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी दोस्तों कुछ शिंतों का काम है इस्लाम के ऊपर टारगेट करना इस्लाम मुसलमान धर्म का ऊपर टारगेट करना टारगेट करके कोई भी काम करो तो सक्सेस बन जाता है क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा एक धर्म है दुनिया पे सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला धर्म है तो इस्लाम है मुसलमान धर्म को अगर टारगेट किया जाए तो सबसे ज्यादा व्यूज मिलेगा पब्लिसिटी मिलेगा पैसा मिलेगा जैसे कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स रिलीज किया है विवेक अग्निहोत्री इससे बाद आया था क्या केरला स्टोरी केरला स्टोरी आया था तो वो भी क्या कौन सुधित्तसेन। सुधित्तसेन ने उसको भी बनाया और बहुत सारा पैसा लोटा बहुत वाह वाह लोटा सबको पता चला वो सब झूठ है फेक है इसी तरह फिर एक नया सिनेमा अगले सात जुलाई पे आने वाला है बहत्तर हो रही सेवेंटी टू हो रही देखो दोस्तों क्यों इस्लाम के पीछे क्यों इन लोग पढ़े हैं चिंटों का क्या काम है इस्लाम के पीछे इस्लाम को बदनाम करने कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे इस्लाम को क्योंकि इस्लाम को दुनिया समझ चुका है जितना भी तुम लोग जितना भी इस्लाम का विरोध करो उतना ही इस्लाम का फायदा है जैसे अभी मैंने इस्लाम के बारे में वीडियो बना रहा हूं कम से कम सौ लोग तो देखेगा बीस लोग देखेगा दस लोग तो देख सकता है ये दसों का ऊपर कोई ना कोई असर पड़ेगा कोई ना कोई इस्लाम के बारे में जानने को चाहेगा तो इस्लाम क्या है इस्लाम पे कुरान क्या है या हजरत मोहम्मद कौन है क्या है इस्लाम पे जिहाद क्यों जिहाद करके मर जाओ तो बहत्तुर हो मिलते हैं वो स्टडी करेगा देखेगा इसके बाद कुछ ना कुछ लोगों को दिल में बेशक अगर जिन्होंने एक अल्लाह या परमशर भगवान सृष्टिकर्ता का दिल में रख के बोलेगा हे भगवान हे परमात्मा तू अगर एक है तो मुझे सही रास्ता दिखा दे वो जब इस को नियत करेगा यानी दिल में कल मेरे दिल में रखेगा जो हम कौन सा धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है या किस रास्ते में जाके दुनिया या तो जन्नत स्वर्ग जो भी कहो वो मिल जाए तो लोग क्या करेगा रिसर्च करते रहता है आजकल गूगल पे दुनिया पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला इस्लाम धर्म है और इस्लाम धर्म में कौन से लोग ज्यादा आ रहा है अभी अभी हर किसी धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम पे आ रहा है क्यों हर किसी धर्म में अच्छा अच्छा नॉलेज है ज्ञान है मूर्ख नहीं है जैसे अमेरिका यूरोप में अभी हर घर घर में हजार हजार लोग इस्लाम पे आ रहे हैं ज्यादा तो कमजोर हमारा वहां मूर्ख लोग गरीबी है क्या ना कहे जातिवादी है दो चार दिन पहले एक वीडियो में देखा है किसी एक लड़के दलित समुदाय के लड़के है शायद उसका ऊपर जब शादी का वो लेके गया मैं वीडियो तो उसको ढूंढ के देना चाहूंगा अगर मिल गया चाहे तो दे दूंगा नहीं तो माफ करना आप लोग देख लेना वीडियो तो है ही है सोशल मीडिया पे पड़ा रहता है क्या कम जात के लड़के ने शादी करने जा रहा है उसको पथरफ किया पुलिस ने आखिर में वो तो तलाश किया पकड़ा गया कुछ लड़कों को मतलब यही है जातिवाद है लेकिन इस्लाम पे तो जातिवाद नहीं है इस्लाम पे तो वो शांति का विषय है शांति ही है इस्लाम पे इसलिए इस्लाम को बर्बाद करने का तरीका ढूंढो इस्लाम का ऊपर मुद्दा बनाओ और पैसा लुटो ये क्या नाम है अशोक पंडित अशोक पंडित जी बहुत दिन से असफल है कुछ काम नहीं है पैसा नहीं है देख रहा है जो इस्लाम का ऊपर दो सिनेमा बना के पैसा लूट लिया ना जाने आके और को, कौन सा ना, और क्या -क्या ना करे करेगा जरूर इस्लाम के, के खिलाफ लेकिन मैं ये नहीं दिखा सकता ना। ये दिखा सकता सकता ना ना ये ये हूं कुछ नहीं कर पाएगा जितना भी जो करो बस दो दो हजार चौबीस के लिए ही यही ही एक राजनीति कर रहा है हिंदू मुस्लिम का बीच में एक बंटवारा करना चाह रहा है लेकिन हकीकत में जो असली हिंदू है जो हिंदू धर्म को बिलीव करता है उसका दिल में अहिंसा अहिंसा परम धर्म है हिंदू धर्म शांति का धर्म है हिंदू धर्म सबको मिलजुल के रहने का धर्म है वो जितना लोग मानते हैं उपनिषद और आपको वेद को मानते हैं उन लोग को पता है जो ईश्वर एक है परमात्मा एक है नस्त प्रतिमा अस्थि जो एक ही सृष्टि करता है तो वही विचार करेगा आप और हम किसी को बदनाम करके कुछ नहीं कर पाओगे अपना जो दिखाने वाला है अपने धर्म के बारे में वो सब फैलाओ वो सब दिखाओ तब दूसरा धर्म के लोग आप लोगों का ऊपर होगा या तो आप लोगों का कहानी देख के बनेगा आप लोग अच्छा अच्छा सिनेमा बना सकते हो बहुत सारे हैं बना सकते हो हम लोग वो बहतर हो रहे सिर्फ मुसलमान मुसलमान से तो नहीं है आप लोग का धर्म में भी है हिंदू धर्म में भी है मैं इसमें थोड़ा लगा दे रहा हूँ देखिये देखो तो से स्वर्ग वीडियो में, तो इस वीडियो में बताया गया जैसे पाखंड कह रहा है ऐसा ऐसा बात वैसा वैसा, वैसा इस्लाम पे वो है ये है हुरिया है हैुर मिल जाएंगे या अपसरा मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे हम लोग तो अपसरा को मिलते ही नहीं है जब तपस्या में बैठते हैं हुरिया आते हैं अपशरा आते हैं यानी हुरिया मतलब उसको हिंदू धर्म में अपशरा कहते हैं आते तो है ना आप लोग विश्वास तो करते हो आते हैं और आप लोग ढूंढते नहीं हो आप लोग छोड़ देते हो सिर्फ खुदा के ही मानते हो इन लोग कह रहे हैं खुदा को ही मानते ये दुनिया पे देख रहा हो ना कितना पंडित कितना बलात्कार में जुड़े हुए है रामरा ही में से हर कोई ऐसे अच्छा अच्छा अपशरा मिले और छोड़ दे फिर दूसरे में तीसरे में आठवा में जाके आखिर में घूम फिर के क्या करना है वही तो घूम के इस दुनिया पे कुत्ता बिल्ली कुछ बन के तो आना है ना चिड़िया बिड़िया के यही दुनिया पे है ना लेकिन हम लोग आप लोगों का ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं अगर कहना है तो बहुत कुछ कह सकता हूं बहुत कुछ हिस्ट्री बन जाएगा दूसरा धर्म के ऊपर लेकिन इस्लाम पे यह नहीं कहता है जो दूसरा धर्म को तुम नीचा करो क्योंकि तुम अगर दूसरा धर्म को नीचा करोगे तो तुमको भी तुम्हारा नबी को भी कोई गाली देगा तुम्हारा अल्लाह को भी गाली देगा ये स्पष्ट रूप से अल्लाह ने कुरान पे किया कहा है तो इसलिए आप लोग चाह रहे हो ताकि हम लोग करे ये तो आप लोग रास्ता दिखाने जा रहा हो अब अगर आप लोग रास्ता दिखाओगे तो हम लोग बोलने शुरू कर देंगे अगर बोलने शुरू कर देंगे तो बुरा बन जाओगे इस देश में मुसलमान ने क्या नहीं किया मुसलमान वही को जिहाद कहते हैं ताकि अन्या के विरुद्ध में लड़े और वो जिहाद करके हो का तलाश पे नहीं जाते हैं जो जिहाद कर लो किसी को बेगुना के कत्ल कर लू करके जन्नत में मिल जाए ये नहीं करते हैं मुसलमान इस तरफ जिहाद करते हैं जो इन्नाय का खिलाफ बात बोलते हैं और इन्नाय का खिलाफ यानी जिसे आप लोग चिंतों का खिलाफ मैंने वीडियो कर रहा हूं वो भी जिहाद है हमको भी मिल जाएगा बहत्तर हो रहे हाँ इस तरफ सोच रहे हो इतना आसान नहीं है अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल पे जुड़े रहो ताकि ऐसे रिएक्ट वाला वीडियो हम लोग आप सभी के सामने शेयर करें अगर अपने YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करो अगर Facebook में देख रहे हो तो हमारा पेज को फॉलो करो और लाइक करो हम धीरे धीरे ये जो चिंटू है कुछ पैसा के दलाल है इन लोग ऊपर बात करेंगे ये जो दलाल लोग है ये कुछ पैसा के लिए कर रहा है क्यों इन लोग को पता है इस दुनिया पे कोई टारगेट क्या हुआ धर्म है तो मुसलमान है इसमें मेजोरिटी है इंडिया पे मेजोरिटी है इस्लाम का खिलाफ बात बोलोगे तो भक्तों लोग ने उसको फैलाएगा और 24 का राजनीतिक सरकार भी इसमें सपोर्ट दे रहा है तो यही तो कितना बड़ा ऑप्शन है कहीं कहीं तो टैक्स फ्री करके रखते हैं तो यही है इसलिए इन लोग कर रहे हैं और ना जाने कितना सिनेमा आएगा बाघ जो होता है ना टाइगर टाइगर ने किसकी गोश्त पसंद करता है जंगल में बहुत सारे जानवर है भैल है गाय है बकरी है सुअर है हर कोई कुत्ते हैं हर किसी चीज में गोश्त है और बाघ हर गोश्त को भी पसंद करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं हरिन को कहते हैं हरिन किस लिए हर सबसे ज्यादा टेस्ट मिलता है तो इसी तरह इन चिंटों को पता है सबसे ज्यादा मजेदार धर्म है तो इस्लाम है या इस्लाम धर्म में टारगेट ना करे हुए तो किसको कर सकते हो इंडिया पे हर कोई धर्म की लोग है लेकिन इस्लाम पे क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इन लोग को पता है जैसे हरीन है बाघ जैसे हरीन को पसंद करता है तो ये सब चिंतों को चिंटों को लगता है सबसे ग्रोथ होने वाली धर्म है इस्लाम सबसे अच्छे रिलीजन है इस्लाम जिस धर्म में कुछ नहीं अन्याय का खिलाफ बात करते हैं अन्याय का खिलाफ बात करके जो प्रतिवाद करके जिहाद करते हैं उसी को ही टारगेट बना लेते हैं जो बाहर तरह मिल जाते हैं भाई कुछ धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म में कुछ गलतियां हैं मैं नहीं कह रहा हूं गलती नहीं है गलती है गलती है ताकि धर्म में गलती नहीं है सॉरी लोगों पे गलती है इस तरह हर किसी धर्म में लोगों का गलती है धर्म पे गलती नहीं है कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी को गोली कर किसी को मार दो किसी को उड़ा दो कहीं धर्म नहीं है ये कुछ लोगों का गलती की वजह से आप लोग सारा मुसलमान धर्म को टारगेट करना ये बेवकूफी है और वो नाइंसाफी है ताकत है पावर है कर सकते हो लेकिन वही मुसलमान के हाथ लगभग पने हजार साल पने एक हजार साल मुसलमान का हाथ में था मुसलमान ने कुछ नहीं किया बहुत सारा एग्जाम्पल है दोस्तों तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यही समाप्त कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें उतना ही जय हिंद जय भारत जय आय